खबर 24 न्यूज, सच वही जो दिखेगा। हजारीबाग में मिला एक कोरोना पॉजिटिव, मुंबई से प्राइवेट गाड़ी से घर लाया गया था। पिछले दिन हजारीबाग से 3 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं, पर हजारीबाग जिला प्रशासन एवं चिकित्सकों के द्वारा अथक प्रयास कर उन्हें ठीक कर घर भेज दिया गया था, लेकिन पुनः चौथा मरीज हजारीबाग में आ जाने के बाद लोगों में चिंताएं फिर से झलक रही है। चौथे मरीज के बारे में जिला प्रशासन हजारीबाग ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि उक्त मरीज मुंबई से 4-पहिया वाहन से बरकट्टा पहुंचा था। जिस वाहन का प्रयोग उसने किया था उसमें गिरिडीह के एक परिवार भी आए थे। इसे बता दें कि जानकारी गिरिडीह जिला प्रशासन को भी दे दी गई है। वहीं मुंबई में भी मरीज के पॉजिटिव होने की जानकारी दे दी गई है ताकि वह जहां रहता था वहां खोजबीन किया जा सके। मुंबई में आने जाने वाले चौथे मरीज 38 वर्षीय युवक हैं जो मजदूरी का कार्य करता था और हजारीबाग के बरकटा प्रखंड का रहने वाला है। साथ ही हजारीबाग उपायुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि अब चूंकि हजारीबाग जिले में पेशेंट था, इसीलिए जो नई गाइडलाइंस आई है उसके आलोक में हमारे डॉक्टर्स ने उसका स्वैब लेकर के भेजा था और वो पॉजिटिव आया। उसके साथ उसके वार्ड में हम लोगों ने प्राइमरी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर ली है, जिसमें तकरीबन 40 लोगों को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है। उसके साथ उसकी गाड़ी में गिरिडीह के लोग थे, 4-5 लोग, उनको गिरिडीह डीसी साहब के यहाँ सूचना दे दी है। बॉम्बे में जिसके घर में रहते थे वहाँ के म्युनिसिपल कमिश्नर के यहाँ भी हम लोगों ने सूचना दे दी है ताकि वो लोग जो भी जाँच है वो कर सके। ये था इस केस के बारे में, कुछ और पूछना है? हस्बैंड वाइफ और उनके 3 बच्चे। और ये अपने गांव से सिंगल? ये अपने गांव से सिंगल। इसका वाइफ का आईडी? हमारी टीम ने वहां पर जाके किया। इसके बाद हम और एसपी साहब जैसे हर बार जाते हैं, एक बार चेक करने जाएंगे कि टीम ने सही किया है कि नहीं, तो एग्जैक्टली अभी तो कमेंट नहीं कर पाएंगे कि सही हुआ है कि नहीं। तो क्या 38 ईयर्स का है? 38। आपको जैसे पता है ये वाले पेशेंट का, हम लोगों ने 2 बार कम्युनिटी सर्वेलांस करवाया है। 20-20 लाख लोग अपने पूरी जनसंख्या को 2 बार हमने जांच कराया। 45,000 से 50,000 लोगों की आने की संभावना है, जिसमें जो हम लोगों ने किया है प्रारंभिक असेसमेंट उसमें 17,000 से 18,000 लोग हैं जो रेड जोन से आ सकते हैं। जिले में 2,500 से ज़्यादा लोग आ चुके हैं रेड जोन से। उसके लिए सारे मुखिया जी लोगों के साथ हमारी वीसी हो गई है, सभी मुखिया जी लोगों को बोला है कि हम लोग रेड जोन वाले जो व्यक्ति जिनके ऊपर डाउट होगा उनको लेकर सैंपल लेकर के हम लोग अलग करेंगे। उसके अलावा सभी लोगों को हम लोग उनके पंचायत में भेज रहे हैं और उन सभी से अनुरोध किया है कि उन लोगों को पंचायत क्वारंटाइन में रखें जो कि उनका पंचायत भवन है, क्योंकि हम लोगों की जो भी कैपेसिटी है उसके आलोक में हम लोगों को काम करना है। और सारे मुखिया जी को राज्य सरकार के द्वारा एक मुखिया पुलिस करके पुलिसिंग के काम के लिए आदेशित किया है। एसपी साहब के सहयोग से सभी पंचायत भवन और सभी थाना प्रभारियों को भी हम लोगों ने निर्देशित किया है कि वो इसको चेक करें ताकि कोई व्यक्ति भागे ना। परसों एक जो घटना हुई थी कटकम सांडी में, जिसको आपको मालूम है, कटकम सांडी में मुखिया जी के साथ एक व्यक्ति की लड़ाई हुई थी। वो होम क्वारंटाइन के लिए गया था लेकिन होम क्वारंटाइन का अनुपालन नहीं कर रहा था, उसके ऊपर प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है। और ऐसा कोई भी व्यक्ति काम करेगा तो उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे। बरही में नया है तो बरही में कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पे व्यक्ति का आइडेंटिटी लीक इत्यादि किया है, तो वो भी हमारे पास डिटेल है, हम लोग के ऊपर हम लोग FIR कर रहे हैं। 50,000 लोग वापस आ रहे हैं तो उनके लिए कुछ विशेष रणनीति है, कितने लोगों को कैसे क्या किया जाएगा? नहीं, आपको बता रहे हैं 50,000 लोग आ रहे हैं, जो डेटा है उसके अनुसार 17,000 से 18,000 लोग हैं जो रेड जोन से आ रहे हैं। ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन वालों को होम क्वारंटाइन के लिए भेज देंगे प्रारंभिक जांच के बाद। रेड जोन हमारे पास 250 पंचायत है, प्रत्येक पंचायत भवन में 50 लोगों को रख के 12,500 लोगों को रखने की हमारे पास व्यवस्था इस समय है। उसके अलावा जो लोग यहाँ पर हमें जांच में आएंगे, हम लोग बड़का गाँव में NTPC का 300-bedded हॉस्पिटल है, सिलवार है और बरीज का जो सेंट्रल जेल है, ये 3 को मिला के 1,000 की कैपेसिटी हमारी है। तब तक ये ख़त्म भी होने लगी जिस तरीके से लोग धीरे धीरे करके आ रहे हैं, तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप सतर्क रहना है, अब ज़्यादा सतर्क रहना है और जो भी कार्रवाई है आप लोग हम लोगों से पूछ के कर सकते हैं। अभी तक कितने लोग आ चुके हैं? नहीं है सर। नया पेशेंट आया सर, उसकी क्या हिस्ट्री है ट्रैवल की? बॉम्बे से आया है, जो नया व्यक्ति है वो बॉम्बे से आया है, 5 तारीख की रात को आया था और मुखिया जी ने कम्युनिटी सर्विलांस के दौरान उसको पकड़ के हमारे बरीज सब डिवीजन हॉस्पिटल में लेके आए थे जहाँ पर उसका स्वैब कलेक्शन।
कैसे ट्रेन से आया था या वो अपनी बोलेरो गाड़ी से? कौन कौन थे उनके साथ, कितने लोग थे और कहाँ के? बोलेरो में ये था, इसके साथ एक परिवार था जिसमें हस्बैंड वाइफ और तीन बच्चे और ड्राइवर। आगे की क्या कार्रवाई? आगे ऐसा जब हम लोग वहाँ पे जाके देखेंगे कंटेनमेंट जोन कितना बनाना है, बफर जोन कितना बनाना है। अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा एक आदेश पारित किया गया है, अनुमंडल पदाधिकारी बरी, हम लोग एक विस्तृत आदेश यहाँ से जिला से निकालेंगे और उस एरिया में अब कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। बाकी कर्फ्यू में क्या क्या करना हुआ आपसे पूछा? इसमें अभी एक पॉजिटिव पेशेंट आया है तो इसमें हम लोगों का जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है और 144 उधर कम्प्लीटली लगा दिया गया है। अब वो प्रॉपर बॉर्डर सीलिंग होगा और इसके अलावा जो है जो पेशेंट है उनसे इंट्रोगेशन अलग से होगी और वो किस किस के कॉन्टैक्ट में आए हैं तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का पूरा प्रक्रिया जो है हम लोग करेंगे और उसमें जो जो व्यक्ति मिलेंगे उन लोगों का सैंपल्स कलेक्ट कर दिया जाएगा और वैसे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के माध्यम से और किसी को अगर कोरोना फैला है तो उस संबंध में जो है हम लोग उसको आइडेंटिफाई करने का प्रयास करेंगे। और साथ साथ जनता के साथ यही अपील है कि कभी जो है 10 माइनस एंड 60 प्लस के लोग कभी घर से बाहर ना आए और कहीं भी जाना है तो सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करें और ज़रूरत काम के लिए ही लोग घर से बाहर आए, तभी जो है हम लोग कोरोना को जीत पाएंगे। सर वो डेटा हम शाम को दे देते हैं। ये तीन बच्चे और ये अपने गांव से सिंगल, ये अपने गांव से सिंगल हमारी टीम ने वहां पर जाके किया। इसके बाद हम और एसपी साहब जैसे हर बार जाते हैं, एक बार चेक करने जाएंगे कि टीम ने सही किया है कि नहीं, तो एग्जैक्टली अभी तो कमेंट नहीं कर पाएंगे कि सही हुआ है कि नहीं। तो क्या 38 ईयर्स का है? आपको जैसे पता है ये वाले पेशेंट हो गए, हम लोगों ने दो बार कम्युनिटी सर्वेलांस करवाया है, 20-20 लाख लोग अपने पूरी जनसंख्या को दो बार हमने जांच कराया। 45,000 से 50,000 लोगों की आने की संभावना है, जिसमें जो हम लोगों ने किया है प्रारंभिक असेसमेंट उसमें 17,000 से 18,000 लोग हैं जो रेड जोन से आ सकते हैं। जिले में 2,500 से ज़्यादा लोग आ चुके हैं रेड जोन से, उसके लिए सारे मुखिया जी लोगों के साथ हमारी वीसी हो गई है। सभी मुखिया जी लोगों को बोला है कि हम लोग रेड जोन वाले जो व्यक्ति जिनके ऊपर डाउट होगा उनको लेकर सैंपल लेकर के हम लोग अलग करेंगे। उसके अलावा सभी लोगों को हम लोग उनके पंचायत में भेज रहे हैं और उन सभी से अनुरोध किया है कि उन लोगों को पंचायत क्वारंटाइन में रखें जो कि उनका पंचायत भवन है, क्योंकि हम लोगों की जो भी कैपेसिटी है उसके आलोक में हम लोगों को काम करना है। और सारे मुखिया जी को राज्य सरकार के द्वारा एक मुखिया पुलिस करके पुलिसिंग के काम के लिए आदेशित किया है। एसपी साहब के सहयोग से सभी पंचायत भवन और सभी थाना प्रभारियों को भी हम लोगों ने निर्देशित किया है कि वो इसको चेक करें ताकि कोई व्यक्ति भागे ना। परसों एक जो घटना हुई थी कटकम सांडी में, जिसको आपको मालूम है, कटकम सांडी में मुखिया जी के साथ एक व्यक्ति की लड़ाई हुई थी। वो होम क्वारंटाइन के लिए गया था लेकिन होम क्वारंटाइन का अनुपालन नहीं कर रहा था, उसके ऊपर प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है और ऐसा कोई भी व्यक्ति काम करेगा तो उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे। बरी में नया है तो बरी में कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पे व्यक्ति का आइडेंटिटी लीक इत्यादि किया है तो वो भी हमारे पास डिटेल है, हम लोग के ऊपर हम लोग FIR कर रहे हैं। 50,000 लोग वापस आ रहे हैं तो उनके लिए कुछ विशेष रणनीति है? कितने लोगों को कैसे क्या किया जाएगा? कितने आपको बता रहे हैं 50,000 लोग आ रहे हैं, जो डेटा है उसके अनुसार 17,000 से 18,000 लोग हैं जो रेड जोन से आ रहे हैं। ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन वालों को होम क्वारंटाइन के लिए भेज देंगे प्रारंभिक जांच के बाद। रेड जोन हमारे पास 250 पंचायत है, प्रत्येक पंचायत भवन में 50 लोगों को रख के 12,500 लोगों को रखने की हमारे पास व्यवस्था इस समय है। उसके अलावा जो लोग यहाँ पर हमें जांच में आएंगे, हम लोग बड़का गांव में NTPC का 300 बेडेड हॉस्पिटल है, सिलवार है और बरीज का जो सेंट्रल जेल है, ये तीन को मिला के 1,000 की कैपेसिटी हमारी है। तब तक ये ख़त्म भी होने लगे जिस तरीके से लोग धीरे धीरे करके आ रहे हैं, तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि अब सतर्क रहना है, अब ज़्यादा सतर्क रहना है और जो भी कार्रवाई है आप लोग हम लोगों से पूछ के कर सकते हैं। अभी तक कितने लोग आ चुके हैं? नहीं है जी।
नया पेशेंट आया सर, उसकी क्या हिस्ट्री है ट्रेवल? बॉम्बे से आया है, जो नया व्यक्ति है वो बॉम्बे से आया है, 5 तारीख की रात को आया था और मुखिया जी ने कम्युनिटी सर्विलांस के दौरान उसको पकड़ के हमारे बरीन सब डिवीजन हॉस्पिटल में लेके आए थे जहाँ पर उसका स्वैब कलेक्शन। कैसे, ट्रेन से आया था या? वो अपनी बोलेरो गाड़ी से। कौन कौन थे उनके साथ, कितने लोग थे और कहाँ के थे? बोलेरो में ये था, इसके साथ एक परिवार था जिसमें हस्बैंड वाइफ और 3 बच्चे और ड्राइवर। आगे की क्या कार्रवाई कर सकते? आगे ऐसा जब हम लोग वहाँ पे जाके देखेंगे कंटेनमेंट जोन कितना बनाना है, बफर जोन कितना बनाना है। अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा एक आदेश पारित किया गया है, अनुमंडल पदाधिकारी बरी, हम लोग एक विस्तृत आदेश यहाँ से जिला से निकालेंगे और उस एरिया में अब कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। बाकी कर्फ्यू में क्या क्या करना होगा उसकी संख्या पूछ सकते। चार ही दिन पहले मैं एक बच्ची का पिता बना हूँ, फिर भी मैं अभी सड़क पे खड़ा हूँ। मैं अपने 105 वर्षीय बुजुर्ग पिताजी को घर पर छोड़कर सड़क पर ड्यूटी पर हूँ। मैं अपना छोटे छोटे बच्चों को घर पर छोड़ के रोड पर ड्यूटी कर रही हूँ। मेरी पत्नी हार्ट पेशेंट है और मैं रोड पर ड्यूटी कर रहा हूँ। मैं 2 महीने के अपने बच्चे को घर पर छोड़कर आपके लिए सड़क पर ड्यूटी कर रहा हूँ। मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है, मैं उसकी देखभाल छोड़ के आपकी सेवा में खड़ा हूँ। मेरे पिताजी 85 वर्ष का हैं, पैरालिसिस पेशेंट हैं, सेवा के लिए जाना चाहता हूँ परंतु नहीं जा पा रहा हूँ। मेरी नई शादी हुई है, हम अपने परिवार को छोड़कर आपकी सुरक्षा में सड़क पर खड़े हैं। मैं और मेरा पति झारखंड पुलिस पर हैं, हम दोनों अपने बच्चे को समय नहीं दे पा रहे हैं। आप लोग से निवेदन है, घर में रहें, सुरक्षित रहें। आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, जीवन बचाएं। आप घर में रहें, सुरक्षित रहें और जीवन बचाएं। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, जीवन बचाएं। कोरोना के विरुद्ध इस लड़ाई में जीत आपके सहयोग के बिना असंभव है। झारखंड पुलिस हमेशा आपके सुरक्षा के लिए 24 घंटा तैनात है। कोरोना से संबंधित जो भी निर्देश दिया गया है उसको गंभीरतापूर्वक लेते हुए सब लोग घर पे रहे, सुरक्षित रहे और जीवन बचाए। घर पर रहे, सुरक्षित रहे, जीवन बचाए। बाहर से लगभग 45,000 से 50,000 मजदूर लौटने वाले हैं जबकि 2,500 लोग वापस आ भी चुके हैं। ऐसे में जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और लगभग 17,000 लोगों के क्वारंटीन की व्यवस्था भी दुरुस्त रखी गई है। इस कार्य के लिए मुखियों को पुलिसिंग कैपेसिटी दी गई है ताकि इसे कोई क्वारंटीन सेंटर से भागने ना पाए और संक्रमण को रोका जा सके। साथ ही कार्रवाई अभी तेज करने की बाबत बताई गई है, जो भी संक्रमण को रोकने में बाधक बनेगा उस पर प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई की जाएगी। हजारीबाग से संप्रिया वशिष्ठ की रिपोर्ट।